हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक्स. एज यू नो, इन आर पार्ट वन वी हैव डन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स. सो टुडे वी हैव ब्रॉट फॉर यू ऑल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, विच आर ऑल्सो नोन एज नॉन पैरामीट्रिक सैम्पलिंग टेक्निक्स. नाउ सी, एवरीवेयर वी कैनॉट जस्ट गो ऑन विद द पैरामीट्रिक सैम्पलिंग टेक्निक्स. So, for certain purpose, for certain situations, we also have to opt for non-probability sampling techniques. तो चलिए आज की क्लास में एक एक करके इन सबको जो है शुरू करते हैं और we try to understand with relevant examples. तो देखिए, पहला है incidental या accidental assignment, या आप sampling technique कह सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, ये आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें ऐसे सैंपल को चूज़ करना होता है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होते हैं. यानी इसका मतलब ये है कि वो सैंपल जो हमारे स्टडी में इंटरेस्टेड हो, इजीली अवेलेबल हो, और रिसर्चर की ये सिचुएशन हो कि वो किसी और सैंपलिंग मेथड को एम्प्लॉय ना कर पा रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो है हम इंसिडेंटल सैंपलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि भाई इजी मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड है, और टाइम, मनी और एनर्जी, ये जो हमारे तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स होते हैं उसमें भी जो है ना ये रिड्यूस करता है, उसकी खपत को भी रिड्यूस करता है. उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो आप देखिए कि ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. सेकेंड, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम एरर. थर्ड, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स कैनॉट बी यूज. तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के सैम्पलिंग की. इसका नाम है जजमेंटल सैम्पलिंग. तो आप ये देखिए, जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होता है कि जब हमने ऐसे ग्रुप का सिलेक्शन करना है पॉपुलेशन में से, ऐसे सैंपल को हमें सिलेक्ट करना है जिसके बारे में हमारे पास कुछ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना. जजमेंट, जैसा कि नाम लिखा हुआ है, तो इसमें जो है हमारे पास पहले से कोई जजमेंट होता है उस सैंपल के बारे में, या ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन करते हैं, ठीक है. इंट्यूशन के बेसिस पे, जजमेंट के बेसिस पे, या कुछ हम ऐसा क्राइटेरिया बना लें जो कि सेल्फ एविडेंट हो. तो जनरली क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं ना वो, या इन्वेस्टिगेटर जो हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो जजमेंट सैम्पलिंग है ना, ये सैम्पलिंग काफ़ी रिस्की है, क्योंकि जो जजमेंट है उसका पूरा का पूरा आधार क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर की खुद की नॉलेज. तो अगर तो उसकी नॉलेज कई सारे पैमानों पे बिल्कुल सही हो, कई सारे उसने इन डिटेल्ड, इन डेप्थ और काफ़ी थॉरो उसने पूरा बैकग्राउंड स्टडी किया हो, अच्छे से R&D किया हो उस एरिया में जाने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए, तब तो जजमेंट सैम्पलिंग जो है ना थोड़ा सा जो है रिस्क, जो बायसेस होते हैं, जो रिस्क होते हैं, एरर ऑफ सैम्पलिंग होते हैं, उसको उस सिचुएशन में तो मिनिमाइज़ किया जा सकता है. अदरवाइज ये हाईली रिस्की मेथड ऑफ सैम्पलिंग है. लेकिन इसके भी फिर भी कुछ एडवांटेजेस हैं. तो क्या एडवांटेज है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर का नॉलेज है ना, वो उसमें बेस्ट यूज़ किया जा सकता है. और सेकेंड क्या होता है, इसमें भी जो हमारे लॉजिस्टिक्स हैं वो इकोनॉमिकली यूज़ होते हैं. लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि भाई ये जो है ना एरर प्रोन है. दिस सैम्पलिंग टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन, और इसमें जो है ना इतने वेरिएशंस हैं, अनकंट्रोल्ड वेरिएशंस हैं, और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को जो है ना इसमें यूज़ नहीं किया जा सकता. इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो सैम्पलिंग टेक्निक है उसकी हमारी थोड़ी सी ये जानकारी होनी चाहिए कि वो इतने मतलब एरर वो फ्री हों. उसके बाद हम बात करते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग. सो ऑल माई डियर लिसनर्स, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ऑन पर्पसिव सैम्पलिंग वी हैव मेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो
एंड वी हैव हाईलाइटेड इट्स की पॉइंट्स, इट्स बेनिफिट्स एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वीनियंट सैम्पलिंग. बिकॉज समटाइम्स पीपल आर कन्फ्यूज विद पर्पसिव सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंट सैम्पलिंग. So a detailed video is made on this. Today also we are discussing this, but I want you to go through that video also. That will help you a lot in coming to a better understanding about it. चलिए शुरू करते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग. ये एक आर्बिट्रेरी मेथड है जिसमें क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन की जो उसके बारे में जो है ना, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से हम जब भी सैम्पल को सिलेक्ट करेंगे ना, तो वो कुछ क्राइटेरिया, कुछ हमारे जो है ना, हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ क्राइटेरिया, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और हमें लगता है कि उन सैम्पल से हमें वो हमारा जो टारगेट है, जो हमारा पर्पस है स्टडी का, वो हमें डेटा काफ़ी हाई क्वालिटी का मिल सकता है, तो उस सिचुएशन में हम पर्पसिव सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं. ये मेथड काफ़ी अप्रोप्रिएट है जब हमारा स्टडी जो है ना वो सर्टेन वेरिएबल्स पर फोकस करता हो. इसके एडवांटेजेस भी हैं. सबसे पहला एडवांटेज है कि जो सैम्पल सब्जेक्ट है ना, उसके बारे में बेस्ट अवेलेबल नॉलेज हमारे पास होती है पहले से. सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स जो होते हैं उसके ऊपर बेटर कंट्रोल होता है, और जो सैम्पल ग्रुप्स के जो डेटा हैं उसको ईजली जो है मैच किया जा सकता है. तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग होता है, और इसमें हमें बिल्कुल पहले से पता हो रहता है हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, और क्या क्राइटेरिया यूज़ होने वाला है, उसके बेसिस पर फिर हम इस सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं. तो ये सब थे इसके एडवांटेजेस. इसके साथ साथ जो है एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस सैम्पल में ना होमोजेनिटी होती है सब्जेक्ट की, क्योंकि हमारा जो पर्पस होता है वो एक पर्टिकुलर सैम्पल ग्रुप पे होता है, तो सैम्पल जो है ना वो होमोजेनस ही होते हैं. कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि रिलायबिलिटी इसकी क्वेश्चनेबल है, नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन एसेंशियल है, सैम्पलिंग सब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन में एरर्स होता है, इन्फेरेंशियल पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूटिलाइज करने में जो है इसमें डिफ़िकल्टीज होती हैं, और आप जो है पॉपुलेशन के बारे में जो भी आपके फाइंडिंग्स आते हैं उसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते. इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कोटा सैम्पलिंग की. तो कोटा सैम्पलिंग क्या होता है ना, इसमें देखिए ये दो टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक का क्या है, कॉम्बिनेशन. तो इसमें जजमेंट सैम्पलिंग भी है और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी है. तो आप देखिए कोटा सैम्पलिंग होता क्या है कि जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसे हम सेवरल कैटेगरीज में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और जो हमारा जजमेंट है, जो हमारा अजम्पशन है या प्रीवियस नॉलेज है या इंट्यूशन है, तो उसके उस जो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमने जो क्लासीफाई किया है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में उस पॉपुलेशन को, उसमें से हम कुछ प्रोपोर्शन जो है ना हर कैटेगरी के लिए डिसाइड कर लेते हैं. मतलब अगर मुझे मान लीजिए मेरे पूरे पॉपुलेशन में मैंने चार ग्रुप्स बनाए हैं, क्लासीफाई किए हैं, तो मैं हर चार ग्रुप में से 25-25 ले लूँ. तो एक कोटा होता है, एक फिक्स नंबर होता है, उसके हिसाब से हम सैम्पल चूज़ करते हैं. लेकिन जो सैम्पल को चूज़ करते हैं वो जजमेंट के बेसिस पे होता है, इंट्यूशन के बेसिस पे होता है. तो इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जजमेंट सैम्पलिंग से ये बेटर है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का कंपोनेंट इसमें ऐड कर दिया है. तो ये होता है कोटा सैम्पलिंग. कोटा का मतलब क्या होता है, केसेस टू बी ड्रॉन इज फिक्स्ड एंड द ऑब्जर्वर इज अलाउड टू सैम्पल एज ही लाइक्स. बस उसे क्या करना है, उसे 25 नंबर अपने जो है ना पूरे करने हैं. उसे कोटा यानी जो सैम्पल का नंबर है उसने उसे फिक्स कर दिया है, लेकिन सैम्पल को चूज कैसे करना है ये रिसर्चर की चॉइस है. ये रिसर्चर विल चूज द सैम्पल एज ही लाइक्स. सो दैट इज द कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग एक्चुअली गिव्स अस वेरी आर्बिट्रेरी, ठीक है ना, मेथड. तो कोटा सैम्पलिंग जो है ना आप कह सकते हैं जजमेंट सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म. अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज. तो यही है कि जजमेंट सैम्पलिंग से बेटर है, काफ़ी इजी सैम्पलिंग टेक्निक है, और जो हमारे म्यूनिसिपल सर्वेज के या सोशल सर्वेज के जो कंडक्ट किए जाते हैं
उसमें हम कोटा सैम्पलिंग यूज करते हैं। उन्हें इससे नहीं है कि भाई सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का, नहीं, उन्हें खाली जो भी लगा कि ये जो सैंपल है ना इसी के ऊपर ये हमें जो है डाटा कलेक्ट करना चाहिए। तो उनकी जो जजमेंट है, उनका जो इंट्यूशन है, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है, उसी के बेसिस पर वो सर्वे कंडक्ट कर लेंगे। कुछ भी चीज़ होती है तो आप समझ सकते हैं कितने सारे टाइप्स के इसमें पहले से बायसेस होंगे, स्टीरियोटाइप्स होंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए ये सब इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। नॉट रिप्रेजेंटेटिव है, काफ़ी ज़्यादा एरर बेस्ड है, और इसमें रीजनल, ज्योग्राफिकल एंड सोशल फैक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इन्फ्लुएंस। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक अलग तरीके के सैम्पलिंग टेक्निक की, जिसका नाम है स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, स्नोबॉल का क्या मतलब होता है। अगर आप देखेंगे तो स्नोबॉल का जो है ना साइज टाइम के साथ क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। वैसे ही सैम्पलिंग टेक्निक है, स्टार्टिंग में क्या है कि आपको जो है जो भी आप जिसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल इकट्ठी करनी है वो वहाँ तक एक्सेस आपका ज़्यादा नहीं है। सपोज कीजिए आपको होमलेस पीपल के ऊपर स्टडी करना है कि इस सिटी में कितने होमलेस पीपल है, और आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करनी है, जानकारी उसकी इकट्ठी करनी है। तो आपने क्या किया, होमलेस पीपल आपको आपका ये स्टडी एरिया था, होमलेस पीपल, होमलेस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे क्या करना था, स्टडी करना था। तो फिर आप गए, आपने जो है एक दो होमलेस पीपल को क्या किया, एक्सप्लोर किया, आपने वहाँ तक वो आप तक एक्सेसिबल हुए या आप वहाँ तक पहुँच पाए। फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, आप एक या दो अपने सैम्पल तक पहुँचे और वो आपको फर्दर 3-4 और सैम्पल से मिलवाएंगे। फिर जो वो उन्होंने 3-4 सजेस्ट किए वो फर्दर 3-4 और लोगों से आपको जो है कॉन्टैक्ट कराएंगे। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो सैम्पल साइज है वो बढ़ता ही रह रहा है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से जब नंबर बढ़ने लगता है सैम्पल का तो हम बोलते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। आपको नहीं पता था आपके सिटी में कितने होमलेस पीपल हैं, लेकिन आपने स्टार्टिंग में सिर्फ दो होमलेस पीपल को जो है आपने आइडेंटिफाई किया, उन तक आप पहुंचे, आपने उनसे बातचीत शुरू करी, और इस पूरे प्रोसेस में उन दो होमलेस पीपल ने आपको और 3-4 और होमलेस पीपल के बारे में बता दिया। फिर आपने उनसे बातचीत करी, फिर आपको उन्होंने और 10 लोगों के बारे में बता दिया। तो यू सी, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट 2 सैम्पल इन द बिगिनिंग, बट नाउ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू फाइंड दैट आपके पास अब काफ़ी अच्छे खासे नंबर हो गए हैं, 100 हो गए, 200 हो गए, 500 हो गए। तो आप ये देखेंगे इस सिचुएशन में आपके पास इतना बड़ा सैम्पल साइज हो जाएगा कि आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करने के पोजीशन में आ जाएंगे। जो भी कोई ग्रुप होगा, जो भी ये स्टडी कंडक्ट करवा रहा होगा, ये तभी कोई एक कंक्लूसिव डिसीजन ले पाएगा। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ही है, वो होमलेस पीपल के ऊपर आपसे स्टडी करा रही है, या रिसर्चर जो है, तो जब वो पूरा एक कंक्लूसिव डाटा प्रोवाइड करेगा तभी होमलेस पीपल के लिए कोई जो है इंटरवेंशन किया जा सकता है, कोई उनको हेल्प की जा सकती है, कोई पॉलिसी उनके लिए लाई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। ये भी आप कह सकते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, इसमें आप सब तक नहीं पहुंच सकते, एक दो लोगों से आप शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे आपका जो सैम्पल साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे कि स्नोबॉल अपने साइज में बढ़ता रहता है। अब आप देखिए कि स्नोबॉल सैम्पलिंग जो टेक्निक है ना, आपके पास एक इनफ टाइम में इतने डाटा हो जाता है कि आप कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट्स ड्रॉ कर पाते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है फिर वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाता है। इसके ना फर्दर टाइप्स हैं, ज़रा देखिए जो स्नोबॉल सैम्पलिंग का पहला टाइप है वो क्या है, देखिए लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। उसके बाद जो सेकेंड है वो है एक्सपोनेंशियल या नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग, और जो थर्ड टाइप है इसका वो है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। तो
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमने आज डिस्कस किया, इससे पहले हमने पार्ट वन में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्कस किया है। आई होप एंड आई एम श्योर कि आप इन सब सैम्पलिंग टेक्निक्स के साथ आप गो थ्रू जब होंगे, आपको एक एक चीज़, एक एक डिटेल आपको पता चल जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग वीडियो ला रहे हैं ना, वो है पूरा का पूरा मैथमेटिकल कह लीजिए या एक्सपेरिमेंटल आप कह सकते हैं, जिसमें हम काई स्क्वायर टी टेस्ट अनोवा और अनकोवा के ऊपर जो है वीडियो लाने वाले हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग ज़रूर जो है हमारे चैनल में ऐड होइए, जुड़िए, सब्सक्राइब।